रुक जाओ। कुकिंग विद जुबैदा में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड के मीठे दही भल्ले। उसमें 200 ग्राम खोया लगेगा, 200 ग्राम शक्कर है, 3 बादाम है, 4 काजू है, थोड़ी सी दालचीनी है, आधा किलो दही है और 8 ब्रेड है। इसके किनारे हमने निकाल दिया है ब्राउन पार्ट। चांदी के वर्क सजाने के लिए है। पानी में भिगोगे? डिप करके हल्का सा, बस इसका पानी में छोड़ देना है। हल्का सा। अब इस खोए को इसमें भरोगी? हाँ, खोया इसमें भर देंगे। इसको बादाम काजू ऊपर से सजाएंगे, इसको अंदर नहीं करेंगे। किसी को अच्छा लगता है, किसी को नहीं अच्छा लगता है। एक प्लेट में सर्व करेंगे? नहीं, प्लेट में रखते जाएंगे इसको। पहले इसको भी डिप करो। सब जितने हैं सब डिप करके बस खोए में, खोए को इसमें भर लेंगे। भर लेंगे। अगर दिल करे तो इसमें ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं। हम लोग को नहीं पसंद अंदर, ऊपर से सजाते हैं तभी अच्छा लगता है हम लोग को। आप लोग अंदर से भी डाल सकते हैं। शेफ ऐसे ही रहेगा? चाहे जैसे बना, गोला भी बना सकती हूँ। इसी तरह से सब सारे साइड में कर दो। शेप आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जैसे आपको पसंद। अगर हमारी रेसिपी आप लोग को पसंद आए तो आप लोग कमेंट में लिख के भेजिए, जो जो आप कहेंगे वो हम बना के दिखाएंगे आपको। इस चैनल को आप लोग आगे ले जाइए, जिसको पसंद आए सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। शेयर भी करते जाइएगा। अब ये शक्कर इसमें डाल, ये चीनी इसमें डाल के दही में इसको खूब बीट कर लें, फेंट लें। इतना फेंटने की क्रीमी सब हो जाए, एकदम सॉफ्ट हो जाए, क्रीम की जैसा।
एकदम इजी है, आसान सी रेसिपी है। थोड़ा सा ही लगाते हैं इसको, किसी को पसंद है किसी को नहीं पसंद, अच्छा लगता है बस देखने में, खूबसूरत सा लगता है। वाह मम्मी ऐसी मिठाई लग रही है देखने में, खाने में मिठाई की जैसी ही लगती है ये, क्योंकि खोया बीच में है, ड्राई फ्रूट है। मेरी मम्मी मिठाइयाँ बहुत अच्छी अच्छी बना लेती हैं, बालूशाही, पेड़ा, गुलाब जामुन बनाते रहते हैं, बच्चों को खिलाते हैं अपने बना बना के। दूसरी लगा दो। सही है, ठीक है, अब इसको इसमें ट्रांसफर कर लेंगे सर्विंग डिश में। फिर इसके ऊपर ये बीट की हुई दही डाली जाएगी, याद रहे जब तक आप दही को क्रीमी नहीं रखेंगे तब तक वो अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल क्रीमी बनाना है दही को बीट करके। 2-3 घंटे बाद ही इसका मजा आएगा खाने में, जब जब दही को जज्ब कर लेगा अंदर तक के ऑब्जर्व कर लेगा तभी अच्छा लगेगा, तभी अच्छा लगेगा। ऊपर से ड्राई फ्रूट्स अंदर से भी डाल सकते हैं, अंदर से बताया तो खोए के साथ में, साथ में भी जिसको पसंद है, बच्चे नहीं खाते ना तो हमने नहीं डाला, थोड़ा सा मतलब अंदर नहीं अच्छा लगता, बहुत से लोगों को बाहर से अच्छा लगता है, किसी को अंदर से, जो जिसकी जैसी मर्जी हो वैसे आप डाल के बना सकते हैं। ये देखिए अगर आप लोगों को अच्छा लगे। वाह सब्सक्राइब करिए, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, अच्छा लगेगा सबको, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, सबको पसंद आएगा। थैंक यू।